पैसा मायने रखता है, लेकिन अगर यही पैसा अपने प्यार के पास हो ना, यकीन मानिए हम लड़कियों के लिए ना इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आप अगर उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, उनके लिए टाइम निकाल रहे हैं अपनी इतनी बिजी शेड्यूल में से ना, तो अपने को थोड़ा सा पॉलिश कीजिए, थोड़ा सा ऊपर उठाइए, वो आपसे जुड़ेगी, आप भी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपकी चाहत खुद के करियर को भी साथ में लेकर के चलिएगा। तभी लड़की आपको बहुत इंपॉर्टेंस देगी, वो आपको चाहेगी, दिलो जान से चाहेगी, और एक दिन आपका प्यार अपने चरम तक पहुंचेगा, यानी वहां तक पहुंचेगा जहां तक आपने कल्पना की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल Ask Anything to सपना। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो आपके अपने फेवरेट टॉपिक पे है, वो है लड़कियों को कैसे पटाएं। दोस्तों आप जब भी कभी अपने एक पर्सनल लाइफ के बारे में इमेजिन करते हो या सोचते हो, तो जाहिर सी बात है कि जो दिल का कोना होता है, जहां हम सोचते हैं कि नहीं कोई पर्टिकुलर स्पेशल इंसान हमारे दिल में होना चाहिए, तो हम इमेजिनेशन करते हैं कि हाँ वो ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ये खासियत होनी चाहिए। कि सबकी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज होती है, किसी को शायद बहुत लंबी गर्ल पसंद है, किसी को एक ठीक ठाक एवरेज हाइट होनी चाहिए, किसी को बहुत फेयर चाहिए, किसी को नहीं ब्रिटिश पसंद है। तो आप सबकी जो पसंद है वो अलग अलग है, बट यहाँ पसंद की बात नहीं है, यहाँ है कि अगर हम किसी को चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं कोई हमें इम्पोर्टेंस दे, कोई हमें हमारे लिए अपना वक्त निकाले, कोई हमें महत्वपूर्ण समझे, तो वहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि आपको लड़कियों को टाइम देना होगा। अगर आप चाहते हो कि लड़की आपसे पटे, तो आपको टाइम देना होगा। इवन जब भी कभी आपको आप लगता है कि हाँ वो आपको चाहती है या आप उसे चाहते हो, तो आपको चलते रहिए, आसपास उनको दिखते रहिए, नजर आते रहिए। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती है, तो आपको क्या करना है ना कि अगर मान लीजिए वो किसी मुश्किल में फंसती है, जैसे कॉलेज जाने के लिए उनको कोई साधन नहीं मिल रहा है, इवन सब कुछ बंद है, इवन ऐसे में आप बोल सकते हो कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं, मैं ड्रॉप यू, आप उन्हें कॉलेज छोड़ देते हो या फिर टाइम से कोचिंग छोड़ देते हो, जैसे कोई उनका प्रोजेक्ट है, कोई फाइल है जो अधूरी है और उसको वो पूरा करने के लिए परेशान हो रही है, कैसे करूं, कहां से करूं, तो इवन आप पूछ सकते हो कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता हूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जैसे आप केयरिंग नेचर अगर आपका है, आप उनका ख्याल रखते हो, हर चीज पे पूछते रहते हो, ये किया, अच्छा ऐसा दिन रहा, ओके, तो इससे क्या होता है कि ये पता चलता है ना कि आप केयर करते हो उनकी। दोस्तों अगर आपको लड़की पटानी है तो आपको टाइम देना सीखना होगा। आप जितना टाइम दोगे वो उतना सीरियसली आपको लेंगी। टाइम बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन क्या करें, ये आपको करियर को भी देना है और अपने प्यार को भी, अपनी गर्लफ्रेंड को भी देना ही देना है, तभी जाकर के रिश्ता थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। आप उनको टाइम दोगे तभी वो बहुत ज्यादा सीरियस होंगे आपको लेकर के, और जहां तक हो सके आप गिफ्ट वगैरह देखिए, बहुत कॉस्टली तो नहीं, बट रीजनेबल, इवन छोटे मोटे पैसे तो सबके पास होते हैं ना, तो आप रीजनेबल गिफ्ट दे सकते हैं, लाइक कोई चॉकलेट हो गई या रोज हो गया, कुछ भी ऐसा बुके टाइप का छोटा मोटा, तो आप ये सब दे करके आप उनके दिल में धीरे 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 अपनी जगह बना सकते हो। एक चीज और, वो जो ये है ना कि सिर्फ समय आप दे रहे हो, आपका भी समय बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी आपको तभी समय देगी जब उनकी लाइफ में आपकी एक इंपॉर्टेंस होगी। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपको महत्व दे, तो अपने आप को इतना कैपेबल बनाइए, कहते ना कि हाँ उनको लगे कि आपसे जुड़ने के बाद लाइफ बस सेटल है, होता है ना कि हाँ आपकी तो फिर अच्छी जॉब हो, या तो फिर इतनी मेहनत कर लीजिए कि हाँ एक स्टेबिलिटी हो आपकी लाइफ में। क्या है ना, आपसे जुड़ने के बाद लाइफ सेटल जब हो जाती है, तो फिर आपका प्यार भी मायने रखता है और आपकी लाइफ भी मायने रखती है। तो धीरे धीरे कि हाँ जहाँ तक हो सके मैं अपने आप को ऐसा बना लूं कि वो अगर मुझसे जुड़े हमेशा के लिए, अगर वो मुझसे जुड़े तो फिर उसे कहीं और कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों पैसा मायने रखता है, लेकिन अगर यही पैसा अपने प्यार के पास हो ना, यकीन मानिए हम लड़कियों के लिए ना इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ प्यार में इतना अंधा नहीं होना है, इतना ज्यादा गुम नहीं होना है कि हम अपना करियर भूल जाएं। आपको करियर को भी साथ में लेके चलना है। आप अगर उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, उनके लिए टाइम निकाल रहे हैं अपनी इतनी बिजी शेड्यूल में से ना, तो अपने को थोड़ा सा पॉलिश कीजिए, थोड़ा सा ऊपर उठाइए, वो आपसे जुड़ेंगी, आप भी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपकी चाहत में साकार रूप लेकर के आ जाती है। तो इवन ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको लड़की के करीब ले जाती हैं, और बहुत इजी हो जाता है किसी भी लड़की को पटाना। और स्पेशली अगर आप ये चाहते हो ना कि लड़की पटे, बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग वीडियो बनाने में, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी से आपकी गर्लफ्रेंड हो तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि बहुत ही वैल्यूबल जानकारी है जो मैं अब आपको देने वाली हूँ। दोस्तों इस आपाधापी भरी जिंदगी में जब किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है, बट आपको टाइम निकालना होगा। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को टाइम इसलिए दे रहे हो ताकि वो आपको टाइम दे सके। टाइम पर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, टाइम आपको जरूर देना है, उनका ख्याल रखना है, उनके असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट अधूरे हैं तो वो पूरे करना है, कहीं वो किसी भी मुश्किल में है तड़से उनके लिए अवेलेबल होना है कि हाँ यार मैं हूं ना,
डोंट वरी, वो कहते ना किसका है ये तुमको इंतजार में होना, गाना तो सुना ही होगा आपने। तो कुछ ऐसा कीजिए ना कि ऑलरेडी आपकी जो स्पेस है, आपकी जो जगह है ना, वो उनके दिल में बनती चली जाए। इन तीन चार चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे ना, तो आप बहुत इजीली लड़की पटा पाएंगे। और हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, इस तरीके से अगर आप धीरे 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 अपनी लाइफ को आगे की ओर बढ़ाते हो ना, तो एक तो आपकी भी लाइफ वैल्यूबल बनती है, दूसरे वो आपको इंपॉर्टेंस भी देती है, इससे आपका प्यार आपके करीब आता है, और चौथे आपके लिए लाइफ बहुत ईजी होती है, काम के समय काम, और जब हमने उन्हें समय दिया तो सिर्फ उन्हें समय दिया। और रोमांस की दुनिया में आप जैसे जैसे एंट्री करते हो, लेकिन खुद के करियर को भी साथ में लेकर के चलिएगा, तभी लड़की आपको बहुत इंपॉर्टेंस देगी, वो आपको चाहेगी, दिलो जान से चाहेगी, और एक दिन आपका प्यार अपने चरम तक पहुंचेगा, यानी वहां तक पहुंचेगा जहां तक आपने कल्पना की है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कौन सा रूप देना चाहते हो, इवन शादी या लिविंग रिलेशनशिप, जैसा आपको ठीक लगे। दोस्तों, आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और ऐसी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।